division take place in liverworts, moss, fern, gymnosperm and angiosperm. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लिवरवॉर्ट्स. लिवरवॉर्ट्स, मॉस, फर्न. ठीक है, तो देखो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो पहली बात तो रिडक्शन डिवीजन होता क्या है. रिडक्शन डिवीजन इज नथिंग बट मायोसिस. वो पूछ रहा है रिडक्शन डिवीजन या मायोसिस. इन सब प्लांट्स में व्हेन एंड वेयर डज इट टेक प्लेस. व्हेन इट डज इट टेक प्लेस एंड वेयर डज इट टेक प्लेस. ठीक है, तो इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन में एक चीज याद रखने की है कि रिडक्शन डिवीजन जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, डिप्लॉइड में मायोसिस होने से हैप्लॉइड बन जाता है. और डिप्लॉइड स्टेज ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट स्टेज. क्या बोला जाता है उसे? स्पोरोफाइट स्टेज. और हैप्लॉइड फॉर्म ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड द गेमेटोफाइट स्टेज. ठीक है, अब दूसरी चीज जो यहां पे रह गई वो है इनको आइडेंटिफाई करना कि ये सारे हैं क्या, है ना. तो लिवरवॉर्ट्स आर, व्हाट आर लिवरवॉर्ट्स? दे आर ब्रायोफाइट. ठीक है, मॉसेस एंड फर्न्स आर बोथ टेरिडोफाइट्स. लिवरवॉर्ट्स एंड मॉस, मॉस भी, सॉरी मॉस भी हमारा ब्रायोफाइट है. मॉसेस आर ऑल्सो ब्रायोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स हमारा है फर्न. ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो खुद ही एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है. ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में अगर तुम्हें पता हो कि देखो अब होता क्या है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उससे थोड़ा सा हमें एक हिंट मिलता है. मेन प्लांट बॉडी लिवरवॉर्ट्स की होती है गेमेटोफाइट. ज्यादातर वो हैप्लॉइड रहता है लिवरवॉर्ट या ब्रायोफाइट. मॉस भी गेमेटोफाइट है. ठीक है, टेरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आर स्पोरोफाइट बॉडीज. ठीक है, और ये स्पोरोफाइट होता है. फर्न्स में यानी कि टेरिडोफाइट्स में जो स्टेज होता है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ठीक है, और इसके अंदर टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मेन स्टेज होती है. ठीक है ना, तो इसके अंदर भी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट. कहने का मतलब ये है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ज्यादातर कौन सी स्टेज में रहते हैं? हैप्लॉइड स्टेज में. और जो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो ज्यादातर किस फॉर्म में रहते हैं? वो डिप्लॉइड स्टेज में रहते हैं. डिप्लॉइड और हैप्लॉइड को प्लांट में हम गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नाम से जानते हैं. ठीक है, तो अब इससे एक हिंट ये लगता है कि ज्यादातर जहां पे भी गेमेटोफाइट यानी कि ब्रायोफाइट में जब गेमेटोफाइट हमारा मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी प्लांट वाली हैप्लॉइड होती है, तो इनके अंदर मायोसिस जाइगोट में ही हो जाता है. जाइगोट ही टूटकर गेमेटोफाइट बना देता है.
इन बोथ ऑफ दीज प्लांट्स मायोसिस कहां पे अकर करता है? मायोसिस अकर इन जायगोट, ठीक है। और ये वेयर हो गया, ये तो वेन हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वेयर इन डिप्लॉइड जायगोट। इनके अंदर सिर्फ डिप्लॉइड एक ही चीज होती है, क्या? जायगोट। इन दोनों में यानी कि ब्रायोफाइट्स में, चाहे वो लिवरवॉर्ट हो या मॉस हो, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होते ही जायगोट के अंदर मायोसिस होकर गैमेटोफाइट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रहना क्या है, हमेशा हैप्लॉइड रहना है। पर फर्टिलाइजेशन होते ही जैसे इन ब्रायोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स दो गेमीट्स आए, सपोज एक मेल गेमीट है और एक फीमेल गेमीट है, तो दीज टू गेमीट्स आर फ्यूज्ड और फ्यूज होकर ये जायगोट बने, ये मेल और फीमेल गेमीट्स हैं। गेमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं। अब जो जायगोट बना, वो जायगोट खुद ही मायोसिस करके हैप्लॉइड हो जाता है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन होते ही मायोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स का केस तुम्हें क्लियर है, येस और नो? ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करो, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर आता है, जिनमें पेटल्स, गेमीट्स एक्सेट्रा होता है। तो इनमें ज्यादातर प्लांट जो होता है डिप्लॉयड होता है, प्लांट मेन बॉडी जो होती है डिप्लॉयड होती है। इनके अंदर बस दो चीजें हैप्लॉयड होती हैं, वन इज पॉलन ग्रेन, पॉलन हैप्लॉयड होता है, और दूसरा इज एग सेल, एग इज ऑल्सो हैप्लॉयड। तो इनके अंदर होता ही है कि जो एग और पॉलन है सिर्फ वो ही हैप्लॉयड होता है। तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि इन तीनों के अंदर गेमीटोजेनेसिस, जब गेमीट जनरेट होते हैं, ठीक है, गेमीट जेनेसिस में गेमिटोजेनेसिस के दौरान मायोसिस होता है, ठीक है। अब कहां कहां पे देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स में तो एंथर में और ओवरी में, एंथर और ओवरी में गेमिट्स बनते हैं ना। एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है, ओवरी में एग बनता है। तो जो ओवरी और पॉलन और एग होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सारा वो डिप्लॉइड होते हैं प्लांट, ठीक है। स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में दोनों में एक मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, मेल कोन होता है, एक फीमेल कोन होता है, ठीक है ना। तो इन कोन्स को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। यू कैन सी हियर, देखो ये पॉइंट्स यहां पे लिखा हुआ है ना, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मायोसिस इन द स्पोर मदर सेल, है ना। तो और ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में होता है सेम।
मेगास्पोर मदर सेल एंड पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर सिर्फ स्पोरेंजिया लिख दो। एक मेल कौन होता है, एक फीमेल, तो स्पोरेंजिया में होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी वही होता है, स्पोरेंजिया में ही होता है। ठीक है, अब जो पॉलन बनाने वाले सेल होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलन मदर सेल। पीएमसी एंड एमएमसी ऐसे ही इसमें भी होता है, या जिम्नोस्पर्म में भी पीएमसी और एमएमसी होता है। पीएमसी होता है पॉलन मदर सेल। इट्स नॉट विजिबल, एक सेकेंड। अच्छा, तो पॉलन मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी, ठीक है। पॉलन मदर सेल पॉलन बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल बनाता है, ठीक है ना।